जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है, इस वीडियो में सर्वप्रथम तो आपको ये बता दूं कि पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आप ये देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह अमेरिका तानाशाही करता है और वर्तमान में पूरे विश्व में वो तानाशाही कर रहा है, भारत में तानाशाही कर रहा है। किस तरह भारत को दबाने, भारत को कमजोर करने और भारत को चारों तरफ से घेरने की वो रणनीति बनाता रहता है और दूसरी तरफ भारत से दोस्ती भी करने की रणनीति बनाता है। हमारे जीडी बख्शी साहब इस मामले के प्रकांड विद्वान हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका से दुश्मनी से ज़्यादा खराब दोस्ती है, यानी दोस्ती करना उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखिए जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से भारत के बरखिलाफ अमेरिका बड़ा सरप्राइजिंग डिग्री ऑफ हॉस्टिलिटी और वैमनस्य का प्रदर्शन कर रहा है। हॉस्टिलिटी, ये बड़ी हैरत की बात है साहब, क्योंकि पिछले दो दशकों से अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं, काफी नजदीकियां आई हैं, बड़े विजिट्स हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के वॉशिंगटन में और वहां से हमारे पास, जिससे बड़ी नजदीकी दर्शाई गई है। यू नो, हम दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम दोनों को उभरते चीन से, एक शक्तिशाली चीन से खतरा महसूस हो रहा है और ये चीन का खतरा इन दोनों देशों को करीब लाया है, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद ये बना है। फैक्ट ये है कि साहब, शुरू से हमारे इंटरेस्ट, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स कॉमनैलिटी रही है, कॉमनैलिटी ऑफ वैल्यूज, कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को सपोर्ट दिया, चीन के तानाशाहों को सपोर्ट दिया, भारत को नहीं। लेकिन जब से चीन का दबाव बढ़ना शुरू हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में, और वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, न्यूक्लियर पावर बन गया है, लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड है, बड़े आक्रामक तेवर अपना रहा है, तो तब से अमेरिका के ऊपर भी दबाव पड़ा कि भारत से रिश्ते अच्छे करे और तब क्वाड बना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यू नो, ये चार ताकतों का क्वाड्रिलैटरल बना ताकि चीन के साथ समन्वय पैदा किया जाए, चीन को कंटेन किया जाए, उसकी हॉस्टिलिटी के बरखिलाफ काम किया जाए। अमेरिका बहुत देर से दबाव डाल रहा था कि भारतवर्ष रूस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है हथियारों के लिए, और ये एक तरफा जो है हथियारों के मामलों में खरीद फरोश, ये ठीक नहीं है। हमको भी लगा कि हमको भी ऑल एग्ज इन वन बास्केट, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं डालने चाहिए और हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। नतीजन हमने कितनी डाइवर्सिफिकेशन की अपने आर्म्स ट्रेड में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम रिकॉनिसांस बोइंग एयरक्राफ्ट, उसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाशे अटैक हेलीकॉप्टर, M-60 हेलीकॉप्टर्स नेवी के लिए, और फिर अभी हाल में हमने खरीदे हैं प्रीडेटर क्लास ड्रोन्स, स्काई गार्डियन, सी गार्डियन ड्रोन, कोई 34 हम बड़ी करोड़ों की डील है जो हमने अमेरिका के साथ करी है। लेकिन साहब, सबसे ज्यादा तो हमको धक्का तब लगा, हमने जो सबसे क्रिटिकल डील थी जो अमेरिका के साथ करी, और वो थी जेट इंजिन्स की डील, जनरल इलेक्ट्रिक के F-404 और F-414 जेट इंजिन्स का हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उनको डॉलरों में हार्ड कैश में पेमेंट दी कि साहब हम अपने देश में अमेरिकन GE-404 और 414 इंजिन्स मैन्युफैक्चर करेंगे, 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा,
और जिसके चलते कि हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसमें ये इंजन लगेंगे और भारत की एयरफोर्स को बहुत इजाफा होगा उसकी ताकत में। 42 स्क्वाड्रन हमें चाहिए, 30 स्क्वाड्रन पर हम हैं, और हमारे पैसे हजम करके खा के अमेरिकन ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं, वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहे साहब। यानी एक जो बड़ा क्रिटिकल क्रूशल आइटम था डिफेंस का, वो जो हमने पहली बार ट्रस्ट किया अमेरिका को, नहीं तो हम केवल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेते थे, क्रिटिकल जहां पे नुकसान हो सकता है वहां नहीं जाते थे, क्योंकि अमेरिका को कुछ पता ही नहीं साहब, कोई विश्वसनीयता नाम की चीज ही नहीं है। अगर रूस से हमने हथियार खरीदे तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने डिलीवर किया, फ्रांस, इसराइल, ये सारे और देशों ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस पर ये 16 आने खरे चलते हैं, लेकिन अमेरिका तो अजूबा है साहब, इतना क्रिटिकल इंजन जो आइटम था हमारी डिफेंस के लिए वो देने से मना कर दिया। और हम अब जाके हाफते हुए फ्रांस से साफरान इंजन और न्यूक्लियर सबमरीन इत्यादि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं साहब, क्योंकि वो जैसे हेनरी किसिंजर ने बोला था, इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बट इट इज फैटल टू बी अ फ्रेंड। अरे साहब, खतरनाक है अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना, लेकिन उससे दोस्ती तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और ये तो हमको साबित होता दिखाई दे रहा है। ये हॉस्टिलिटी क्यों है, क्या मैनिफेस्टेशन है हॉस्टिलिटी के? बांग्लादेश में साहब तख्ता पलट कर दिया हसीना वाजिद की सरकार का, जो भारत का बहुत सहयोग देती थी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के अंदर, और उन्होंने बताया कि उनपे दबाव था कि साहब मैडम आपकी इलेक्शन सारी हम ठीक कर देंगे, आप जरा मार्टिन, सेंट मार्टिन आइलैंड हमको हैंडओवर कर दीजिए, वहां नेवल एयरबेस हम बनाना चाहते हैं बे ऑफ बंगाल में, भारत के पिछवाड़े में, आप हमारी मदद करिए कि एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाए कुकी लैंड मणिपुर के बॉर्डर पे, ठीक है साहब, और खालिस्तान का कार्ड भारत के खिलाफ प्ले किया जा रहा है। और मैंने बताया सबसे ज्यादा जो स्टैब इन द बैक हुआ है वो तो साहब ये जेट इंजन की डील के ऊपर, साफ मुकर गए, पैसे खा के मुकर गए। तो साहब ये 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 हैरत है पूरे भारतवर्ष में कि साहब जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहे थे, दोस्त कह रहे थे, वो हमारे बरखिलाफ ऐसे क्यों वैमनस्य क्यों दिखा रहा है? नंबर एक तो साहब फैक्टर है कि रशिया यूक्रेन वॉर, बाइडेन साहब ने आते ही प्लान बना रखा था कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे वो यूक्रेन के साथ डील कर रहे थे, उनको लग रहा था अफगानिस्तान को बेवजह प्राथमिकता दी जा रही है ओबामा काल में, ओबामा शासन काल में, तो पहली चीज तो उन्होंने करी कि ये अफगानिस्तान से विड्रॉ करो, हम रूस के साथ लड़ना चाहते हैं यूक्रेन में और उसकी तैयारी करो, उन्होंने पहला आदेश दिया, और ऐसा केओटिक विड्रॉल वहां से हमने आज तक देखा नहीं है। मतलब दुनिया के सामने, दुनिया हैरान हो गई जिस तरह से अमेरिका भागा अफगानिस्तान से। तो साहब उस वक्त अमेरिकन ने तकरीबन ये कर दिया कि साहब इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। अब इसके चलते साहब बड़ी पेचीदा असमंजस भारत के लिए पड़ गई, आप ईरान से हमें तेल लेना नहीं देना चाहते, वहां आप सैंक्शंस लगाते हैं, पहले सबसे ज्यादा तेल हमारा ईरान से आता था, सबसे नजदीकी सोर्स वो है, सबसे सस्ता सोर्स वो है, वहां से हम नहीं खरीद सकते, रूस है, रूस से हम नहीं खरीद सकते, आप नहीं चाहते हम रूस से खरीदें, यूरोप खरीद रहा है, जो लड़ाई कर रहा है रूस के बरखिलाफ यूक्रेन के जरिए, वो खरीद रहा है तेल, वो खरीद रहा है, भारत को रोक लगा दी, तो ये भारत भी परेशान हो गया साहब, काफी हो गया आपके सैंक्शंस को हम ऑनर करते करते, अपना सवा सत्यानाश भट्टा नहीं बिठा सकते अपनी इकोनॉमी का आपको खुश करते हुए, क्योंकि आप तो खुश हो गए नहीं कभी। तो भारत ने कहा कि नहीं साहब हम तो रूस से तेल खरीदेंगे। तो अब साहब वो जो है हमने कहा कि साहब हम पहले काटसा लगने के पहले हम S-400 की डील साइन कर सकते हैं, हम नहीं मुकर सकते, आप हमको वेवर दीजिए, तो उनको भारत की प्राथमिकता देखते हुए देनी पड़ी। लेकिन अब तो साहब ये तो पूरे वैमनस्य के साथ हम पे टूट पड़े हैं, ये तो दे आर शॉर्ट ऑफ हॉस्टिलिटी का लेवल अमेजिंग हो गया है, जितना नुकसान कर सकते थे भारत का उतना वो कर रहे, क्यों? सवाल आता है साहब ये क्यों हो रहा है? एक तो मैंने बताया रीजन रशिया यूक्रेन वॉर,
उसके अलावा एक और रीजन है, और वो क्या है, जो आने वाली ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस है 22-23 को जो कजान में कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्रिक्स की, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, जिसमें अब सऊदी अरेबिया और देश, तुर्की वगैरह भी जुड़ना चाहते, क्योंकि ये बड़ा G7 के बरखिलाफ एक स्ट्रॉन्गर ब्लॉक के रूप में उभर कर आ रहा है। इकोनॉमिकली ज़्यादा हेफ्ट है ब्राज़ील के और ये ब्रिक्स के ग्रुपिंग के अंदर। और क्या डिस्कस होने जा रहा है साहब? डी डॉलराइजेशन। देखिए साहब, अमेरिका क्या डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड वॉर टू के बाद से, और जब से ये है साहब तो हमने देखा है एक मनमानी चल रही है जो कि बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स में और कमर्शियल सिस्टम्स में, ग्लोबल जो नेटवर्क्स हैं उनके अंदर एक मनमानी चल रही। रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, $300 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स जो कि रूस का था हड़प लिया, खा लिया, बेकार नहीं लिया, ये तो हमारा है। और जो उसके ऊपर 5 बिलियन जो इंटरेस्ट बना वो उठा के यूक्रेन को दे दिया कि रूस से लड़ो, रूस के पैसे से। ठीक है साहब, ये तो साहब शरेआम डकैती है। ये आप किसी देश का पैसा जो आपकी बैंक में रखा है खा जाओ, अब ये तो साहब घर का राज है ना साहब, ये तो विम्सिकलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। मतलब ये वैमनस से तो थोड़ा हद से ज्यादा बढ़ रहा। और मैंने आपको बताया कि ये जो है अब इसे परेशान होके विम्सिकलिटी से, एक और उदाहरण मैं देता हूँ, वेनेजुएला का अपना गोल्ड रिजर्व उसका यूके में पड़ा था, उन्होंने बोला साहब हमें वापस चाहिए, आपका कुछ पता नहीं, यूके ने गोल्ड रिजर्व देने से मना कर दिया, आप इसे नहीं संभाल सकते। कमाल है साहब, सोना मेरा लेकिन आप फैसला करेंगे कि आपके पास नहीं जाएगा वापस। ये तो हद से बढ़ रहे हैं साहब, ये तो डकैती है शरे आप लूट। तो अब दुनिया भी परेशान हो रही है कि ये जो वेस्टर्न कॉलोनियल हैंगओवर है, दादागिरी है, ये तो बढ़ती ही जा रही है। तो अब ब्रिक्स ने फैसला किया था कि साहब डी डॉलराइजेशन पे बातचीत होगी। तो पिछले बार जब ये बातचीत साउथ अफ्रीका में हुई थी तो भारत ने कहा कि साहब हमको अपनी अपनी करेंसीज में डील करना चाहिए। अब मसलन कि अपना कोई 60% तेल हम अब रूस से ले रहे हैं, तो हमने रूस से कहा साहब हम आपको डॉलर में नहीं पे करेंगे, हम आपको रुपए में पे करेंगे। अब रूस के पास बड़े सारे रुपए इकट्ठे हो गए, उसके समझ नहीं आ रहा उनका, वो करे तो करे क्या। तो हमने कहा साहब आप हमसे चीजें खरीदिए और आपको क्या चाहिए हम आपको देंगे। तो हमने उनको जो है सप्लाई करनी शुरू कर दी है, हमारे जो रुपए हैं उनके बरखिलाफ हथियार भी हमने जो है कुछ उनके कंपोनेंट पार्ट्स, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज वगैरह, ये हमने अमेरिका रूस को देनी शुरू करी हैं। लेकिन ये कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये चलेगा नहीं। तो ब्राज़ील के डसिल्वा साहब ने ये बड़ा जोर दिया था कि डी डॉलराइजेशन होना चाहिए और एक यूनिट ब्रिक्स की अपनी करेंसी होनी चाहिए यूनिट। तो दो अमेरिकन इकोनॉमिक एक्सपर्ट और एक चाइनीज एक्सपर्ट ने मिलकर ये बड़ा सारा प्लान बनाया है, एक ब्रिक्स की इकोनॉमिक करेंसी जिसका नाम होगा यूनिट यूनिट, और ये 40% गोल्ड रिजर्व्स पे आधारित होगी और बाकी जो नेशनल करेंसीज पे आधारित होगी। अब नेशनल करेंसीज का अभी तो हम डॉलर टर्म्स में काउंट करते हैं कि 83-84 रुपीज इज इक्वल टू $1 वगैरह, तो वो एक वो जो इनका जो स्विफ्ट सिस्टम है उस पर ग्लोबल ट्रेड सारा डॉलर में होता है, तो वो इसकी इक्विवेलेंस बनाता है कि साहब 84 रुपीज इक्वल टू $1 और ये हमारा फैसला और अब आप सबको चलना पड़ेगा इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि साहब ये डॉलर टिरनी से बचने के लिए हमको एक अपनी ब्रिक्स की करेंसी बनानी पड़ेगी, जिसमें मैंने बताया 40% गोल्ड रिजर्व्स पे निर्धारित होगी और जो बाकी 60% है वो उसका जो आपस में इक्विवेलेंस है वो पॉलिटिकल विम्स पे नहीं छोड़ा जाएगा। एक ब्लॉकचेन, जिस तरह की बिटकॉइंस के लिए ब्लॉकचेन है, एक ब्लॉकचेन बनाई जाएगी जिसमें इंटरसेप जो वैल्यूएशन ऑफ करेंसी वो ब्लॉकचेन करेगी। एक प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं फ्रैक्टल्स, तो कॉम्प्लिकेटेड है बट दिस इज बीइंग सीरियसली डिस्कस्ड और अभी
22-23 अक्टूबर को इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो बता दूं, ये सुझाव मोदी का था। उस सम्मेलन में मोदी जी ने ये सुझाव दिया था, जिसका व्यवहारिक रूप आने वाला है। और ये है मोदी की सशक्त विदेश नीति, जिससे अमेरिका परेशान है। यहाँ तक कि जैसे ही एटीएम को हटा के रुपए कार्ड लाए, और इससे अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ, तो अमेरिका ब्रिक्स सम्मेलन को देखकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसमें विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार जो डॉलर बनाया गया है, तो ब्रिक्स में ये ऐसी एक व्यवस्था डेवलप करने के ऊपर विचार चल रहा है कि डॉलर को हटा के दूसरी मुद्रा को ब्रिक्स के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनाएं। तो अमेरिका भारत पे जबरदस्त दबाव डाल रहा है। देखिए, इससे घबराकर भारत के ऊपर अमेरिका जबरदस्त प्रेशर डाल रहा है कि वो रूस और चीन के साथ ना मिल जाए, और ये जो एक यूनिट करेंसी है ब्रिक्स की करेंसी, ये इजाद ना हो, डॉलर को खतरा ना हो। बहुत प्रेशर ये डाला जा रहा है, ये धमकाया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, खालिस्तानी कार्ड प्ले किए जा रहे हैं। कभी पन्नू, कभी निज्जर टेररिस्ट जो थे, क्यों मारा, कैसे मारा, कैसे हिमाकत हुई, वो तो हमारे एसेट थे तुमको तोड़ने के लिए, तुम चुपचाप से टूट क्यों नहीं जाते। अरे हद है साहब, हद है। तो ये साहब अभी फैसला होने वाला है, इसलिए दबाव बढ़ रहा है। याद रहे जब सदाम हुसैन ने बात करी थी कि भाई डॉलर में पेट्रोल का ऑयल ट्रेड नहीं होना चाहिए, उन्होंने सदाम हुसैन को बहाने बनाकर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नॉकआउट कर दिया साहब, है। उसके बाद लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी के साथ भी यही खेल हुआ। लेकिन अब जो है रूस चीन, ये इतने आसानी से आप नहीं उठा के पटक सकते, और भारत को भी बोले कि साहब हम आपको मुअम्मर गद्दाफी जैसे ट्रीट करेंगे, तो थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी साहब, थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी, और ना दूसरे देश इतना दबाव सहना पसंद करेंगे। आप अमेरिका ने जबरदस्ती रूस को चीन की बाहों में धकेला, और अब वो आमादा लग रहे हैं बाइडेन साहब कि वो भारत को भी रूस चीन इंडिया रशिया चाइना ट्रायंगल, जो प्रिमाकोव साहब कहते थे, जबरदस्ती धकेले, पूरी दुनिया अपने बरखिलाफ करे कि हम अकेले पूरी दुनिया से लड़ेंगे। देखने वाली बात है साहब, इतना कह देना आसान है, करने में तकलीफ हो सकती है। एक युद्ध आप रशिया यूक्रेन का लड़ रहे हैं, फिर आप मिडिल ईस्ट में इसराइल की मदद में, आपके दो एयरक्राफ्ट कैरियर 6 महीने से फंसे पड़े थे, अभी वापस गए रेस्ट रिफ्यूल के, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और आए, 11 में से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तो चीन के बरखिलाफ़ नॉट अवेलेबल हैं, और वहाँ चीन आक्रमक तेवर दिखाना शुरू हो गया है। सो साहब, ये अब जो है कहा जा रहा है कि इसलिए भारत पे प्रेशर डाला जा रहा है, हमें बड़ा सोच समझ के चलना होगा, और हम उम्मीद करेंगे कि साहब बाइडेन साहब जो है उनका जो वो जो सटिया रहे हैं अपनी अपने बुढ़ापे में, और वो सारी दुनिया से लड़ने को आमादा हो गए हैं, कह रहे थे आई एम गोइंग टू स्टॉप ऑल वॉर्स, लेकिन वो तो उन्होंने एक दो और अब तीसरी वॉर शुरू होते दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ा असमंजस का समय है, और अगर ऐसा डी डॉलराइजेशन की डिसीजन ले ली जाती है ब्रिक्स के अंदर, तो बड़ा सख्त प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स अमेरिका में हिट होंगी, और अगर अमेरिका में स्टॉक मार्केट्स हिट होती हैं तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पलटने लगेंगी, प्रॉब्लम आपके आ सकती है। तो मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, आपने देखा किस तरह अमेरिका, जेडी वैक्सी के शब्दों से आपने सुना और समझे होंगे कि किस तरह अमेरिका भारत में तानाशाही कर रहा है। भारत के चारों तरफ, बांग्लादेश में भारत समर्थित सरकार गिरा दिया, पाकिस्तान में भी वो भारत समर्थित लोगों की सरकार गिरा देता है, और इधर चाइना भी भारत विरोधी है चारों तरफ से।
तो मेरी समझ में जो ये आ रहा है कि भारत जो है विश्व की इस पॉलिटिक्स का, इस पॉलिटिक्स से विश्व की सशक्त शक्तिशाली देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है, पहली पॉलिटिक्स तो ये है कि वो अपने हथियार की बिक्री के लिए जो है दबाव डालते रहते हैं या ऐसी परिस्थिति बनाते रहते हैं कि दूसरे देश उनके हथियार खरीदें, सबसे इनकम का स्रोत, सबसे अधिक इनकम का स्रोत है हथियार की बिक्री है। तो जब तक भारत, मैं समझता हूँ, जब तक भारत आयुध के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वो विश्व शक्तियों के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का शिकार होता रहेगा। इसलिए भारत को बहुत तेजी के साथ अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहिए और उससे संबंधित जितने भी आयुध हैं उनका निर्माण सेल्फ टेक्नोलॉजी के जरिए अपने ही देश में डेवलप करना चाहिए। जैसे ही भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, वैसे ही भारत विश्व शक्ति से, इन विश्व शक्तियों से टक्कर ले सकेगा। देखिए, चाइना अमेरिका से टक्कर ले रहा है, वो अपने आयुध अपने आप बनाता है, आत्मनिर्भर है। भारत भी इस क्षेत्र में, हमारे मोदी जी जब से आए हैं वो इस बात को समझ चुके हैं और आयुध निर्माण में अपनी भारतीय तकनीक से काफी कुछ प्रगति किए हैं और भारत अब इस दिशा पे काम करना शुरू कर दिया है। तो जहां तक बात है किसी भी तरह की विदेश से, हम जहां सोचते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी हम विदेश से आयुध के मामले में भी लेने का चक्कर पाल रहे हैं, जिसमें अमेरिका से अभी धोखा खाए, आपने जीडी बक्सी के मुखारबिन से ही सुना, इंजन के मामले में पैसा भी ले लिया और उसने टेक्नोलॉजी भी नहीं दिया। तो हम समझते हैं भले ही थोड़ा लेट हो, भले ही थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हो, परंतु अपने वैज्ञानिकों को लगाना चाहिए, हर मामले में अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए और आयुध के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भर होना चाहिए। धन्यवाद मोदी जी, आपकी इस सोच, आपकी इस पॉलिटिक्स को हम सलाम करते हैं और हम सोचते हैं कि भारत अति शीघ्र आत्मनिर्भर होगा आयुध के मामले में। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि मोदी के समर्थन में रहिए। अगर आप अपने देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो जो देश के प्रति, देश को शक्तिशाली बनाने के प्रति जिसकी, जिस पार्टी की नीति हो उसी पार्टी को समर्थन करिए। कांग्रेस 70 साल से रही, परंतु सेना के डेवलपमेंट पे उसने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और सेना के डेवलपमेंट का आधार देश की सुरक्षा है, तो अर्थात देश की सुरक्षा के साथ ही जो खिलवाड़ करे उससे तो दूर ही रहना चाहिए भैया। फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।